दिल्ली उच्च न्यायालय ने नियामक और गोपनीयता मापदंडों के कथित उल्लंघन के लिए भारत में गूगल पे के संचालन को बंद करने के निर्देश देने की मांग करने वाली दो जनहित याचिकाओं को खारिज कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जोहान्सबर्ग के लिए रवाना हुए। दक्षिणी अफ्रीका में भारतीय प्रवासियों को विश्वास है कि उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने राज्य में शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के तहत राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य और कुछ अन्य एजेंटों की करीब 3 करोड़ की संपत्ति कुर्क की। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 22 और 24 अगस्त तक हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम अब अपने कैमरे LHDAC से चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ऐसी जगह तलाश रहा है जहां बड़े पत्थर और गहरे गड्ढे ना हो, जिससे कि 23 अगस्त शाम 6:04 पर वह सॉफ्ट लैंडिंग कर सके। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने सोमवार को कहा कि विक्रम में लगा कैमरा खतरे का पता लगाने और बचाव में सक्षम है। दिल्ली में चल रहे केंद्र सरकार के अस्पतालों में जल्द ही बोन मैरो प्रत्यारोपण की सुविधा शुरू होगी। अभी यह सुविधा एम्स और सफदरजंग अस्पताल में है। सफदरजंग अस्पताल ने 3 दिन पहले ही पहला प्रत्यारोपण किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी में उनके सहयोगी एवं राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने अहमदाबाद की एक सत्र अदालत में अर्जी देकर आपराधिक मानहानि के एक मामले में निचली अदालत द्वारा उनके विरुद्ध जारी समन को चुनौती संबंधी उनके पुनर्निरीक्षण आवेदन पर त्वरित सुनवाई का आग्रह किया। भारत की राजधानी क्षेत्र में 69 अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशनों पर 5G आने वाला है। दरअसल दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के मुताबिक 29 अंडरग्राउंड स्टेशनों को सफलतापूर्वक 5G में अपग्रेड कर दिया गया है और 40 अंडरग्राउंड स्टेशनों पर संबंधित सुरंगों सहित बुनियादी ढांचे का काम प्रगति पर है। बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हरी साहनी ने आज अपना पदभार ग्रहण किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी के प्रति आभार जताते हुए कहा कि एक मछुआरे के बेटे का अगर कोई सम्मान कर सकता है तो वह बीजेपी है। प्याज पर 40% निर्यात शुल्क लगाने के केंद्र के फैसले के खिलाफ किसानों और व्यापारियों के विरोध के बीच महाराष्ट्र में मंत्री दादा भूसे ने दावा किया है कि अगर लोग 2 से 4 महीने तक रसोई के प्रमुख खाद्य पदार्थ का उपभोग नहीं करते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेवड़ा जिला दातिया में जन दर्शन कार्यक्रम एवं लाडली बहना सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रतिभाग किया। इस दौरान सीएम शिवराज ने विभिन्न विकास एवं निर्माण कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके सपनों को टूटने नहीं दूंगा। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। आपने जो प्यार दिया है, जो आशीर्वाद दिया है, आपने जो विश्वास दिया है, सेवड़ा वालों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जान भले ही चली जाए लेकिन आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा, कभी खंडित नहीं होने दूंगा। हम ऐसे ही सरकार नहीं चला रहे, आपकी जिंदगी बदलने के लिए सरकार चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री है। मेरी बहनों, हम सरकार नहीं, हम परिवार चलाते हैं, परिवार। मेरी बहनों, पहले हमने मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी को लाडली लक्ष्मी बनाया, लाडली लक्ष्मी योजना लेके आए। फिर मैंने सोचा कि बेटियों की शादी भी माता पिता पे बोझ हो जाती है और इसलिए हमने योजना बनाई कन्यादान योजना, ताकि मेरी भांजियों की शादी में किसी को कर्जा ना लेना पड़े और धूमधाम से सरकार भांजियों की शादी करती रहे। हमने योजना बनाई मेरी बहनों, आपको आगे बढ़ाने के लिए। आज का दिन और कल का दिन इन दोनों विधानसभाओं के लिए, सियोड़ा के लिए और दतिया के लिए ऐतिहासिक दिन है। ये माँ पितामरा की धरती है,
ये मां बगला मुखी धरती है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस माता का आशीर्वाद की वाली धरती पे जब शिवराज सिंह जी और हम साथ में आए हैं तो सोड़ा के लिए नई विकास प्रगति का इतिहास रचने के लिए आपके समक्ष आए हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आज सिंध नदी पर नवीन सेतु का निर्माण 30 करोड़ का हो रहा है। इंदरगढ़ से पंडोरगढ़ समथर रोड की लंबाई 35 किलोमीटर का शिलान्यास हो रहा है और दतिया जिले से इंदरगढ़ पिछोर मार्ग का भी भूमि पूजन हो रहा है। तो सड़कों का विकास हो रहा है, पुलों का विकास हो रहा है और दतिया में नागर उड़ियन एयरपोर्ट भी मैंने बनाने का शिलान्यास कर दिया है ताकि सेवड़ा की जनता भी भोपाल और खजुराहो अब प्लेन से जा पाए। ये हमारा संपर्क और हम लोगों का भी संकल्प है। मैं आपसे एक ही आज निवेदन करना चाहता हूँ, मेरी लाडली बहना है, आपका एक योद्धा है शिवराज सिंह जी के रूप में लाडली लक्ष्मी, अब लाडली बहना, एक एक महिला को सशक्त करने के लिए नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह जी संकल्पित हैं, तो तालियों की गड़गड़ाहट से उनका धन्यवाद दे रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनता को संबोधित किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खड़गे ने कमलनाथ को वोट देने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बुंदेलखंड इलाका शान के लिए मशहूर है। वहीं केसरी महाराज लक्ष्मीबाई साबूलाल जैन को नमन भी किया और जनता से वादा किया कि कांग्रेस की सरकार बनने पर संत रविदास के नाम पर एक विश्वविद्यालय यहां खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जो कहती है वह करती है। कमलनाथ जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, तो इसीलिए उनका नाम नाथ है आखिरी में, कमलनाथ, नाथ मीन संत। ये नाथ पंथ जितने भी हमारे धर्मों में हो गए वो लोगों की सेवा करने के लिए हो गए, तो ये नाथ को आप जिताना है और कांग्रेस पार्टी का नाम रोशन करना है। भाइयों, ये तो जमीन क्रांति वीरों की है और दान वीरों की धरती है, पर इस विशाल जनसभा को देखकर मुझे बहुत खुशी हो गई है। इतना बड़ा जनसागर चुनाव के वक्त आना ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए मैं यहाँ सागर के सभी नेताओं को और जनता को, माँ बहनों को मैं बधाई देता हूँ। बुंदेलखंड इलाका इसकी आन बान और शान के लिए बड़ी मशहूर है, बलिदान की भूमि है। आजादी के आंदोलन में शहादत देने वाले नायकों की श्रद्धांजलि हम सबको देना है। बुंदेलखंड केसरी महाराजा छत्रसाल, महारानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना झलकारीबाई को भी मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। भाइयों, मैं ये वायदा करता हूँ, मेरी पार्टी की सरकार यहाँ बनी तो पहला ये होगा उनके नाम से एक विश्वविद्यालय यहाँ पर खोला जाएगा कि संत रविदास के नाम से यहाँ विश्वविद्यालय खोला जाएगा। और जो भी अच्छे विचार वालों के स्मरण में, मेमोरी में हम हमेशा कुछ करते आए हैं, चाहे विहार हो चाहे मंदिर हो, ये सब कर रहे हैं और यहाँ पर भी हम करके दिखाएंगे। ये वोटों के लिए नहीं, हम जो करते हैं दिल से करते हैं, हम जो करते हैं लोगों के हित के लिए करते हैं। अरे सबसे ज्यादा आपको जो फायदेमंद है वो इस देश का संविधान है, वो हमने दिया है। और मैं आपसे ये फिर एक बार याद दिलाना चाहता हूँ, जब मध्य प्रदेश की सरकार आई कांग्रेस की, कमलनाथ जी उसके मुख्यमंत्री बने, किसान कर्ज मुक्त होंगे और LPG गैस सिलेंडर केवल 500 रुपए में मिलेगा, महिलाओं को 1500 हर महीना मिलेगा, और पैसा हमारे पास आ गया तो और बढ़ा देंगे आगे, 100 यूनिट तक बिजली बिल माफ, सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम, ये सभी चीजें हम आपके लिए करेंगे। और ये जो कांग्रेस सत्ता पर आने वाले कुछ वायदे हम किए
और अध्यक्ष के तौर पर मैं आपसे वायदा करता हूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर हम जाति जनगणना का भी कराएंगे। ये जाति जनगणना करने से मालूम होगा इसमें कौन से तबके के लोग गरीब हैं, पिछड़े हैं, लैंडलेस है, अशिक्षित है, ये सब बाहर आएगा। इसीलिए ये हम करके रहेंगे। पहले जो वर्किंग कमेटी में सिर्फ एक बैकवर्ड का आदमी था, इस बार हमने 6 बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को वर्किंग कमेटी में ली। शेड्यूल कास्ट के सिर्फ 3 थे, इस बार हमने फिर 5 किया है। यानी जो सोनिया जी वायदा किए थे, राहुल जी वायदा किए थे, उसको निभाने का काम मैंने किया है आपके दुआ से। तो ये करते रहेंगे, पार्टी के लिए हम जो करना है वो करते। केशवपुर मंडी में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज 5 नए मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन किया। इस अवसर पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज, विधायक जरनैल सिंह, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय भी मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि आज दिल्ली में 5 मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन हो रहा है, इसमें से एक महिला मोहल्ला क्लिनिक है। अब दिल्ली में कुल 533 मोहल्ला क्लिनिक काम कर रहे हैं, जिसमें से 512 मॉर्निंग शिफ्ट में और 21 इवनिंग शिफ्ट में काम करते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में जनता को मुफ्त इलाज का फायदा मिल रहा है। आज यहाँ पे केशवपुर मंडी में एक मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन हुआ। पूरी दिल्ली में आज 5 जगह 5 मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन हो रहा है। एक तो हुआ है केशवपुर मंडी में, शाहबाद डेयरी में 2 मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन आज हो रहा है, बवाना में एक जनरल मोहल्ला क्लिनिक और एक महिला मोहल्ला क्लिनिक, एक गोविंदपुरी में और एक कालकाजी मार्केट में। तो टोटल अब दिल्ली में 533 मोहल्ला क्लिनिक काम कर रहे हैं। इनमें से कई सारे ऐसे भी हैं जिनका उद्घाटन नहीं हुआ, आने वाले टाइम में होगा, लेकिन काम 533 कर रहे हैं, जिसमें से 512 मॉर्निंग शिफ्ट में और 21 इवनिंग शिफ्ट में काम कर रहे हैं। हमने 2015-16 में मोहल्ला क्लिनिक बनाने शुरू किए थे। इसका मकसद ये था कि अपने को, अगर दिल्ली में बड़े बड़े अस्पताल तो बहुत हैं, प्राइवेट वाले भी हैं, सरकारी वाले भी हैं। प्राइवेट में देखो तो फोर्टिस है, अपोलो है, मैक्स है, ये है, वो है, BLK है, कई सारे हैं। सरकारी में देखो तो ऑल इंडिया मेडिकल है, सफदरजंग है, GTB है, LNJP है, GB पंत है, बहुत सारे सरकारी भी हैं। लेकिन अगर छोटा बुखार हो, खांसी हो, जुखाम हो, छोटा मोटे कुछ बीमारी हो जाए तो हम बड़े बड़े अस्पतालों में जाके लाइनों में लगते हैं। अब जैसे आप लोग केशवपुर मंडी में काम करते हो, कई लोग व्यापारी हैं, कई लोग मजदूर हैं, थोड़ा सा कुछ बुखार हो गया, थोड़ी सी कुछ बीमारी हो गई, पूरा दिन खराब हो जाता है, आपको अस्पताल में जाना पड़ता है, लंबी लंबी लाइनों में लगते हो, सवेरे से शाम तक पूरा दिन खराब हो जाता है, और अस्पतालों में भी खूब भीड़ होती है। तो हमने सोचा क्यों ना छोटे छोटे मोहल्ला क्लिनिक पूरी दिल्ली में जगह जगह हर मोहल्ले में हर कॉलोनी में खोल दिए जाएं। तो 2015-16 में हमने करना शुरू किया। मेरे को याद है पहला मोहल्ला क्लिनिक पीतमपुरा की झुग्गियों में बना था और उसका बड़ा अच्छा नतीजे आए, लोगों ने उसको बड़ा अप्रिशिएट किया, आसपास की जनता बहुत खुश हुई क्योंकि अपने घर के आसपास है, थोड़ा सा कुछ हुआ अपना मोहल्ला क्लिनिक में गए, पैसे भी नहीं लगते, डॉक्टर अच्छे से इंतजाम, एयर कंडीशन है अंदर, अच्छे से डॉक्टर इलाज करता है, लैब का टेस्ट अगर हो टेस्ट फ्री होते हैं, एक्सरे कराना हो एक्सरे भी पास के अस्पताल में फ्री में करा दिया जाता है, दवाइयां सारी फ्री में मिलती हैं। तो लोग बड़े खुश थे, दुनिया भर से लोग आके देखने लग गए इन मोहल्ला क्लिनिक को। एक बार स्वीडन की पूर्व प्रधानमंत्री वो देखने के लिए आई, जो है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, उसके सेक्रेटरी जनरल हमारा मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए आए, तो उसकी खूब तारीफ होने लगी। फिर धीरे धीरे हमने पूरी दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बढ़ाने चालू किए। एक चीज है, हमारे सारे मोहल्ला क्लिनिकों में जो डॉक्टर काम कर रहे हैं, स्टाफ काम कर रहा है, वो बड़ा अच्छा है, उन्होंने लोगों के दिल जीत लिए। जो लोग पहले फोर्टिस में मैक्स में इलाज कराने आते जाते थे, वो मोहल्ला क्लिनिक, सरकारी मोहल्ला क्लिनिक में इलाज कराने आ रहे हैं। तो कुछ तो अच्छा होगा कि इतने अमीर लोग भी यहाँ इलाज कराने आ रहे हैं। उसी क्वालिटी का मोहल्ला क्लिनिक आज आपकी केशवपुर मंडी में खुला है। मंडी में केवल दिल्ली वाले नहीं, आसपास के राज्यों से भी बहुत लोग आते हैं, बहुत मजदूर काम करते हैं, बहुत व्यापारी आते हैं, सामान खरीदने आते हैं, सामान बेचने आते हैं। मैं उम्मीद करता हूं सबको इसका लाभ मिलेगा, सबको फायदा मिलेगा। आपको जान के ताज्जुब होगा, पिछले साल 2022-23 में 2,07,17,876 लोगों ने इलाज कराया मोहल्ला क्लिनिक में, और 10 लाख से ज्यादा टेस्ट हुए। 21-22 में उसके पहले वाले साल में 1,82,00,000
लोगों ने इलाज कराया, उसके पहले वाले साल में 1.5 करोड़ लोगों ने, हर साल संख्या बढ़ती जा रही है। 91 किस्म के टेस्ट होते हैं यहाँ पे जो फ्री टेस्ट होते हैं, दवाइयां फ्री मिलती हैं, टेस्ट फ्री होते हैं, अल्ट्रासाउंड एक्सरे का अगर कराना हो तो रेफर कर दिया जाता है। एक हमने महिला मोहल्ला क्लिनिक शुरू किया, तो हमने कुछ 5 अभी मोहल्ला क्लिनिक पूरी दिल्ली में महिला मोहल्ला क्लिनिक शुरू हुए हैं और उसमें केवल महिलाएं जाती हैं, महिला डॉक्टर होती है, महिला स्टाफ होता है और केवल महिलाओं के लिए है वो। उसको अब ज्यादा बढ़ाएंगे, उसका बड़ी चारों तरफ से डिमांड आ रही है और मुझे बहुत खुशी है कि पूरे देश के अंदर पंजाब ने 1.5 साल में दिल्ली को भी पीछे छोड़ दिया। हमने तो इतने साल में 533 खोले, पंजाब में 660 मोहल्ला क्लिनिक बन के अभी चालू हो चुके हैं और उन लोगों का लक्ष्य है कि वो 3-4 हजार मोहल्ला क्लिनिक लेके जाएंगे। इसके अलावा मुझे पता चला है और भी देश के कई हिस्सों में मोहल्ला क्लिनिक खुल रहे हैं। मैं आज केशवपुर के सभी भाइयों बहनों को बधाई देना चाहता हूं कि आपको ये सुविधा मिली और मैं भगवान से चाहता हूं कभी बीमार ना पड़ो, आप हमेशा स्वस्थ रहो, लेकिन अगर बीमारी है, होती भी है, तो अब मोहल्ला क्लिनिक है अपना इलाज कराने के लिए। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। पावर्ड बाय कमल बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड, फुलफिलिंग प्रॉमिसेस विद आवर प्रोफेशनल टीम एंड एक्सपीरियंस ऑफ डिलीवरिंग प्रोजेक्ट्स इन पास्ट, वी गारंटी यू पीस ऑफ माइंड एंड टॉप क्वालिटी वर्क इन एन अफोर्डेबल प्राइस। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में मिशन राजस्थान 2030 प्रगति की गति दोगुना अभियान की प्रदेश स्तर पर लॉन्चिंग की। सीएम ने कहा कि इस अभियान में प्रदेश के सभी लोगों के सुझाव लिए जाएंगे। सुझाव लेने के लिए mission2030.rajasthan.gov.in वेबसाइट बनाई गई है। सीएम गहलोत ने बटन दबाकर वेबसाइट लॉन्च की। इसके तहत अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ, विभिन्न सरकारी विभागों के सदस्य और आम जनता, युवा, स्टूडेंट सभी अपने विचार वेबसाइट के जरिए दर्ज कर सकेंगे। विभागों की इस मिशन में बड़ी भूमिका होगी। वहीं मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में राजस्थान में हुए विकास कार्यों का ब्यौरा दिया और कहा कि राजस्थान लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आज राजस्थान के लोगों ने, आप सब लोगों ने कोविड के अंदर दिखाया था एकजुटता, पक्ष विपक्ष सब मिलकर के सबने एक दूसरे की मदद करी। उस वक्त में कोई भूखा नहीं सोए, मैंने कहा था इलाज के अंदर शानदार काम हुआ राजस्थान के अंदर। ऑक्सीजन कोई डेथ नहीं हो पाई क्योंकि हमने इतना शानदार प्रबंधन किया कि प्रबंधन कहीं से जाना पड़ा ऑक्सीजन का, बॉम्बे से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, दिल्ली से, केंद्र सरकार से ये माहौल बना दिया कि ऑक्सीजन कमी से जब दिल्ली में लोग मर रहे थे, बॉम्बे में, अहमदाबाद में स्थिति खराब थी, तब राजस्थान वो राज्य था जहाँ पर प्रदेशवासियों के आशीर्वाद से शानदार काम हुआ। पर लंबा सफर तय करते करते आज हम यहाँ पहुंचे हैं। आप देख लीजिए जिस मुल्क में सुई नहीं बनती थी आजादी के वक्त में, आज क्या नहीं हो रहा है, सैटेलाइट छोड़े जा रहे हैं, दुनिया भर के सैटेलाइट छोड़ने का काम हिंदुस्तान के इसरो कर रहा है। 100 सैटेलाइट एक साथ छोड़े गए आपको याद है 5 साल पहले। हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, साइंस में, टेक्नोलॉजी के अंदर, शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवा में, पानी में, बिजली में, सोलर आ गया, विंड आ गया, उसमें हम लोग सिरमौर है देश के अंदर, विंड के अंदर भी और सोलर के अंदर भी, और आर्थिक रूप के लिए हम लोग नंबर 2 है देश के अंदर, आंध्र प्रदेश नंबर 1 और दूसरा राजस्थान है इस स्थिति के अंदर, हम देश के अंदर। आज हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं जहाँ हम बहुत आगे बढ़े हैं। माइंड मिनरल्स के खनिज भंडार संपदा यहाँ इतना भंडार भरे पड़े हैं कि उनका दोहन नहीं कर पा रहे हम लोग। पोटाश ऐसी चीज है, पोटाश जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, सिर्फ राजस्थान के हनुमानगढ़ में बीकानेर के अंदर है। तेल निकल गया आपके बाड़मेर के अंदर, 20% तेल देश का उत्पादन है सिर्फ बाड़मेर जैसलमेर में होता है। रिफाइन लग रही है राजस्थान के अंदर रिफाइनरी, तो तमाम स्थितियाँ ऐसी बनती जा रही है, ऐसी बनती जा रही है। अब गैस निकलने की संभावना बढ़ती जा रही है संसद के अंदर। तो कहने का मतलब आज हम हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में तमाम प्रीमियर इंस्टीट्यूशन जो आजादी वक्त बनाई थी पंडित नेहरू ने, IIT IIM सारी संस्थाएं आज राजस्थान के अंदर, IIT IIM ट्रिपल IIT एम्स, लॉ यूनिवर्सिटीज, आयुर्वेद यूनिवर्सिटीज, संस्कृत यूनिवर्सिटीज, क्या नहीं राजस्थान के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में। सोशल मीडिया पर आप देखेंगे कितना तुलना है पिछले 5 साल में इस 5 साल के अंदर। ऐसा नहीं बोला था मैं कि लोग आज भी चलाते हैं सोशल मीडिया के अंदर, रात दिन का फर्क पड़ गया। तो शिक्षा में भी आगे बढ़ गए हैं, हेल्थ के अंदर आज देश में एकमात्र राजस्थान राज्य है जहाँ राइट टू हेल्थ एक्ट बना दिया, RTA हमने बनाया, RTE बनाया, फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया, और नरेगा जिसके लिए कई नेताओं ने बोला था कि तो कांग्रेस के स्मारक के रूप में रहेगा,
ना मुझे भ्रम है ना किसी को भ्रम होना चाहिए कि खाली विचार प्रकट करने सब कुछ हो जाएगा। प्रत्येक प्रदेशवासी हम चाहते हैं 1 करोड़ लोगों तक पहुंचे, 1 करोड़ लोगों तक पहुंचे, हमारी टीमें पहुंचे, उनकी सलाह करें। हम लोग हमने तय किए, फैसले किए, उसका लाभ आपके सामने। इसलिए मैं कहना चाहूंगा जो प्रगति हम 4 गुना कर चुके हैं अभी इस 5 साल में, अगली बार हम क्यों नहीं 10 गुना की कल्पना करके चले राजतंत्र प्रगति के पथ पर ले जाए। 35 साल पहले मंत्री था इंदिरा गांधी जी के साथ में और राजीव गांधी के साथ में, पर्यटन का और नागरिक उड्डयन का मंत्री था मैं। तब मेरा सपना था कि टूरिज्म को इंडस्ट्री का दर्जा मिले। आज 35 साल 36 साल हो गए इस बात को, और मेरे आशी लिखा था, अब मैंने दिया अभी टूरिज्म को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया, राजस्थान का दे दिया। यहाँ बैठे होंगे होटलिस्ट बैठे होंगे, ट्रेवल एजेंट टूर ऑपरेटर बैठे होंगे, सबको मालूम है कि उसका असर क्या पड़ा। पहली बार आजादी के बाद मैंने पहले 1000 करोड़ थे, इस बार मैंने 1500 करोड़ रख दिए टूरिज्म डिपार्टमेंट के लिए, RTTC के लिए रख दिए हैं। तो किस प्रकार से टूरिज्म यहाँ आगे बढ़े, ये हमारी सोच है, उस रूप में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। कैसे हम लोग आने वाले वक्त में जो बच्चे स्टार्टअप करते हैं, बड़ा काम है, दिमाग का काम है, उनको सरकार प्रोत्साहन दे। इस प्रकार प्रोग्राम बना के हम चलेंगे अगर, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, आने वाले वक्त के अंदर 30 मिशन बनाया है, विजन डॉक्यूमेंट निकलेगा, चाहे वो प्रवासी राजस्थान के हों या प्रवासी बाहर हों, राजस्थान के लोग हों या प्रवासी राजस्थानी हों, उन सबको इन्वॉल्व करना चाहेंगे। कहने वाले राजस्थान के प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक वर्ग का नागरिक अपने आप को इसमें सम्मिलित करे, तब जाकर के जो प्रोग्राम आज रखा है उसके अपने मायने हैं और हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, पूरा कुछ कर पाएंगे। आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने प्रेस वार्ता की। मीडिया को संबोधित करते हुए प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि हमारी पार्टी का मानना है कि हमारा मुकाबला विकसित देशों से होना चाहिए। वहीं प्रियंका कक्कड़ ने देश में रुपए की गिरती कीमत को लेकर चिंता व्यक्त की और कहा कि रुपए में गिरावट देश के लिए भी चिंताजनक है, इससे देश की प्रतिष्ठा कम होती है। रुपए की गिरती कीमतों की वजह से रुपए की मांग में कमी आई है, जिससे महंगाई की मार आम जनता को झेलनी पड़ रही है। आम आदमी पार्टी ये मानती है कि हमारा मुकाबला विकसित देशों से होना चाहिए, बराबरी विकसित देशों के बराबर होनी चाहिए। आज USD का, 1 USD का दाम चाइनीज युआन के मुकाबले 7.02 चाइनीज युआन है, वहीं 1 USD 83.13 रुपी पर पहुंच गया है। ये अब तक का सबसे खराब आंकड़ा है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए चिंता का विषय नहीं है जो अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए विदेश भेजना चाहते हैं, पर आपकी और मेरी जिंदगी से भी जुड़ा है और देश के लिए भी एक बेहद चिंताजनक आंकड़ा है। इससे देश की प्रतिष्ठा कम होती है, गरिमा कम होती है। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री मोदी हुआ करते थे तो लगातार हमलावर रहते थे फॉलिंग करेंसी को लेकर, गिरते रुपए को लेकर। 59 रुपीज का जब $1 था तो उन्होंने विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। आपको ये भी याद होगा कि स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी का मानना था कि जैसे जैसे देश की करेंसी गिरती है वैसे वैसे देश की प्रतिष्ठा कम होती है। दिसंबर 2022 में कहा गया कि भारत की करेंसी वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है एशिया की, तो आज ये आंकड़ा और गिर गया है, आज 83.13 पर पहुंच गया है। इससे देश की प्रतिष्ठा कैसे कम होती है? भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा था कि रशिया और इंडिया के बीच अब ट्रेड भारतीय करेंसी में होगा, रुपए में होगा, पर मुझे बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि आज सच्चाई ये है कि भारत वन ऑफ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर्स ऑफ क्रूड ऑयल है। रशिया से सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल खरीदते हैं हम, वेपन्स खरीदते हैं हम, पर उसकी भरपाई हम या तो दिरहम में कर रहे हैं या फिर चाइनीज युआन में कर रहे हैं, भारतीय रुपए में नहीं कर रहे। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए है साथियों कि हमारी करेंसी, भारतीय करेंसी इतना गिर चुकी है, इतनी गिरी है कि उसकी डिमांड बहुत कम है। ये दर्शाता है कि उसकी डिमांड बहुत कम है। डिमांड कम क्यों है? क्योंकि हम लगातार फॉरेन कंट्रीज से इंपोर्ट तो कर रहे हैं, इंपोर्ट बढ़ते ही जा रहा है, चाहे वो US हो चाहे रशिया हो, पर उस लेवल से हम भारत से एक्सपोर्ट नहीं कर रहे इन देशों। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ऐसा सामान मैन्युफैक्चर नहीं हुआ जिसकी डिमांड बाहर हो, यानी कि जो मेक इन इंडिया का एक कैंपेन चलाया गया था वो भी मात्र सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए था। उसके तहत कोई मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बना भारत में, उसके तहत कोई नया सामान बनने नहीं लगा भारत में। तो रुपए की कीमत कैसे बढ़ेगी, ये प्रश्न उठता है।
रुपए की कीमत कैसे बढ़ेगी और इन्वेस्टर्स कैसे आएंगे भारत में? ये तब होगा जब भारत के सामान, भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा और भारत अपना सामान बाहर देशों को बेच पाएगा। ये तब होगा जब व्यापारियों के लिए खाली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक नारा नहीं होगा, उनको लाइसेंस राज से मुक्ति मिलेगी और वो सामान बना पाएंगे भारत में। ये तब होगा जब यहाँ पर इतनी अच्छी और किफायत उच्चतम स्तर की शिक्षा और सस्ती शिक्षा या मुफ्त शिक्षा होगी कि हमारे बच्चे आविष्कार करने के बारे सोचेंगे और देश में पेटेंट्स रजिस्ट्रेशन बढ़ेंगे। ये तब होगा जब हमारे यहाँ इतनी अच्छी यूनिवर्सिटियाँ होंगी कि विदेशी लोग अपना डॉलर खर्च कर यहाँ अच्छी शिक्षा के लिए आने लगेंगे। पर अभी क्या हो रहा है? अभी आप देखिए कि चाहे अग्रेरियन डिस्ट्रेस हो, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो, चाहे जॉब क्रिएशन की बात हो, भाजपा सरकार 9 प्रॉब्लम्स को अक्नॉलेज करती है, सोल्यूशन प्रोवाइड करना तो बहुत दूर की बात है। दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास के एक वरिष्ठ अधिकारी को नाबालिग से दुष्कर्म मामले में पार्टी से निलंबित किए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला बोला है। इसी कड़ी में प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा एवं सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। मीडिया से बात करते हुए वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने किस वजह से इस अधिकारी को चुना, इसका जवाब अभी तक नहीं दिया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि 13 अगस्त को FIR दर्ज होने के बावजूद एक सप्ताह का समय क्यों लगा। सचदेवा ने दिल्ली परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत पर जिम्मेदारी से बचने का भी आरोप लगाया। कल जिस अफसर की गिरफ्तारी और सस्पेंड की सूचना आप सबको आई, उस अफसर को विशेष रूप से चुनने का काम क्या कारण है कि कैलाश गहलोत ने इस अफसर को पिक किया? अभी तक कोई जवाब नहीं आया कैलाश जी, कल से ये विषय बार बार पूछा जा रहा है। आप विभाग के मंत्री थे, आपके पास चॉइस थी, किसी अच्छे अधिकारी को ले सकते थे, लेकिन आज वो ये कह के नहीं छूट सकते कि मेरे पास अब वो विभाग नहीं है। आपने उस अधिकारी को क्यों चुना, इसका स्पष्टीकरण तो दें। लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बोलेंगे, कैलाश गहलोत नहीं बोलेंगे, महिला आयोग की हमारी बहन भी नहीं बोलेंगे। एक सवाल जो बार बार आया, 13 तारीख को FIR दर्ज हुई थी तो 7 दिन क्यों लगे? डॉक्टर्स ने 14 दिन तक उस लड़की से बात करने के लिए मना किया था। दिल्ली पुलिस बड़ी संवेदनशीलता से इस इश्यू को हैंडल कर रही है आज भी, और चूंकि FIR दर्ज हो चुकी थी और उस बच्ची का 164वें मजिस्ट्रेट के सामने बयान कराना बहुत जरूरी था, तभी अपराधी की गिरफ्तारी सुनिश्चित हो सकती है। तो लगभग 6 दिन इंतजार करने के बाद, लड़की की स्थिति को लगातार मॉनिटर करने के बाद, दिल्ली पुलिस ने पुनः डॉक्टर्स को अप्रोच किया, तो फिर माननीय न्यायाधीश जिन्होंने 164वें बयान लेना था उनको हॉस्पिटल जाके वो बयान लेना था। लेकिन इस संवेदनशील विषय को भी कल जिस तरह से राजनीतिक रंग देने की कोशिश की गई, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री ये कह के नहीं बच सकते कि हमने शाम तक उसको सस्पेंड कर दिया। आप तो ये बताइए कि उसको आश्रय देने का काम किसने किया? इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर ये दिल्ली सेवा बिल पास नहीं हुआ होता तो शायद अभी उस अफसर को और आवेदन मिलता, और ऐसे अनेक भ्रष्ट अधिकारी जिनके आचरण पर अनेकों प्रकार से उंगलियां उठती रही हैं, उनके खिलाफ भी एक विशेष जांच अभियान शुरू होना चाहिए। पिछले 9-10 साल में इस सरकार के रहते हुए ऐसी कितनी शिकायतें उन अफसरों के खिलाफ आई हैं, जिसमें आर्थिक या मानसिक शोषण करने की बात है। और मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूँ, कैलाश गहलोत अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। मेरा तो ये भी निवेदन है दिल्ली पुलिस से कि ऐसे मुकदमे को जल्द से जल्द अंजाम तक इसके निर्णय को लेके जाना चाहिए और ऐसे अपराधियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। एक के बाद एक हर रोज कोई ना कोई आम आदमी पार्टी का, दिल्ली सरकार का ऐसा कृत्य सामने आ रहा है जिससे दिल्ली शर्मसार हो रही है। एक के बाद एक ऐसा कृत्य आ रहा है जिससे हम उसको बता नहीं सकते कि अरविंद केजरीवाल जी क्या वायदे करते थे, क्या सपने दिखाते थे, और क्या आज वो सारी हकीकत सामने आ रही है जिसके ऊपर में हमें बयान देते हुए भी ऐसा महसूस होता है कि हम आज कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। क्यों अरविंद केजरीवाल ने एक बार भी अपने मंत्री को बुलाकर पूछा नहीं अभी तक कि तुमने ऐसे अधिकारी को क्यों चुना? इन सारे बातों पर अरविंद केजरीवाल से दिल्ली की जनता जवाब मांगती है, भारतीय जनता पार्टी जवाब मांगती है। तो हम चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी तुरंत ये सारे सवालों का जवाब दें।
और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।